चिकन फ्राई करके रखे ना, ये डाल देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी मुगलाई चिकन ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी और कितनी डिलीशियस बनी है। और थोड़ा चटपटा लगा, वैसे ही चटपटा ही है चिकन। अच्छा, नींबू वगैरह लगा के ग्रेवी लेके थोड़ा देखो कैसा बना टेस्ट ग्रेवी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई हमारी, नाश्ता वगैरह भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपनी रेसिपी बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ रेसिपी में। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों की फरमाइश पे मुगलाई चिकन ग्रेवी। हाँ, मुगलाई चिकन बना रही हूँ तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो मुगलाई चिकन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ 600 ग्राम चिकन और इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लूँ। अब इसको सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेंगे मसालों से। तो इसमें डालूँगी मैं सबसे पहले एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ और इसी के साथ डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से भी आधा ऑरेंज रेड फूड कलर, उससे कलर अच्छा आता है ग्रेवी का और चिकन में भी अच्छा कलर आएगा। ये भी डाल देंगे। अब इसमें जाएगा 100 ग्राम दही। अब इसी के साथ डालेंगे हम आधा नींबू का रस। नींबू दही वगैरह डालने से ना हमारी ग्रेवी अच्छी चटपटी बनती है और चिकन में भी अच्छे से अंदर तक मसाले जाते हैं तो और अच्छा चटपटा लगता है। तो ये मैंने आधा नींबू का ही रस डाली हूँ क्योंकि मैंने इसमें दही भी डाली। अब इन सब चीज़ों को हाथों से मिक्स कर लेते हैं, चिकन में अच्छे से मसाले लगा लेंगे। यहाँ पर चिकन में मैंने अच्छी तरह से मसाले लगा दी हूँ। अब इसको इसी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। आधा घंटा एक घंटा जितना आप लोगों के पास टाइम है रख देना। मैं आधा घंटा रखती हूँ, उसके बाद आगे का दिखाती हूँ। चलिए चिकन को मैरिनेट करके रख दी हूँ, जब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। इसमें डालेंगे हम हाफ कप तेल। ये मेरा फ्राई किया हुआ ही तेल है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने हाफ कप तेल डाल दी, गरम होने देंगे। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम हो गया है। तेल में हम डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह से स्लाइस में कट की हुई, क्योंकि हमें इसका ना प्याज का ब्रिस्ता बनाना है, प्याज को ब्राउन करना है। तो इसको डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज भी मैंने डाल दी। अब क्या करेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये ब्राउन होता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। चलिए अब इसको हम निकाल लेते प्याज को। बस इतना ही लाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना क्या कलर चेंज हो जाता है प्याज का। तो यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई होकर हो गई है, इसको मैं ठंडी कर लेती हूँ। जब तक क्या करेंगे, ये मैरिनेट करके चिकन रखे ना, इसको हम इसी तेल के अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। चलो पूरे एक साथ में डालना है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, पूरा इसका जो पानी है ना, दही का पानी वगैरह सब सूख जाए वहाँ तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन का जो जितना भी मॉइस्चर था वो पूरा सूख चुका है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, सारा चिकन जो है वो निकाल लेते हैं एक बर्तन में।
निकाल के रख देती हूँ। चलिए यहाँ पर मेरा चिकन जो है वो फ्राई हो गया है, इसको मैंने निकाल के रख दी हूँ साइड में। चलिए अभी ग्रेवी बना लेते। तो फिर से मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये 2 चम्मच तेल डाल दी, 2 बड़े चम्मच। गरम होने देंगे। तेल में हम डालेंगे सबसे पहले कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1/2 चम्मच शाहजीरा और लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च। बस थोड़े थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे इसमें। इसी के साथ हम डालेंगे 2 बड़े टमाटर इस तरह से पेस्ट बना के। 2 बड़े टमाटर का पेस्ट डाली हूँ मैंने। अच्छी तरह से भून लेंगे 1-5 मिनट तक, टमाटर का जो पानी है वो सब ड्राई होने तक। तो यहाँ पर हमारे टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालकर भी भून लेते 1 सेकेंड। इस तरह की जो मुगलाई ग्रेवी है ना, बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। बटर नान या तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल जैसा रेस्टोरेंट वगैरह में बनता है उसी तरीके से बनता है घर में। ईजीली घर के मसालों में बन के रेडी भी हो जाता है। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में देखो मैंने क्या क्या ली हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले भी डाल देंगे। सूखे मसाले डालकर भी इसको हम भून लेते। चले मसाले हमारे भून रहे ना, जब तक हम क्या करेंगे, ये जो बिरिस्ता बना के रखे, एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ये बिरिस्ता। चलिए मैंने डाल दी पूरा मिक्सी जार के अंदर। अब इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें 100 ग्राम दही। 100 ग्राम दही डाल के हम इसको पीस के पेस्ट बना लेते हैं। चलो पीस के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस ली हूँ दही डाल के प्याज को। अब ये डाल देंगे पूरा हम पेस्ट इसी मसाले के अंदर। इस तरह से डालेंगे ना पेस्ट बना के तो ग्रेवी भी ठीक होती है और अच्छी लगती है खाने में। चलिए अभी ये दही और प्याज का पेस्ट भी डाल के 1 से 2 मिनट भून लेते। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज तो ऑलरेडी हमारी पकी हुई है। बस दही डाले हैं तो उसको अच्छे से 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, ये अच्छी तरह से मसाले जो हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम ये जो चिकन फ्राई करके रखे ना ये डाल देंगे। देख सकते कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको अच्छे से साफ करके डाल देंगे, पूरा मसाला लगा हुआ है इसमें, इसको मिक्स कर लेते चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए चिकन डाल के भी मैंने अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर दी हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा क्रीम। तो आप लोगों के पास ये तो मैं दूध के ऊपर की मलाई डाल रही हूँ, आप लोगों के पास नहीं होगा तो फ्रेश क्रीम डाल देना 2 बड़े चम्मच। देखो क्रीम डाल दी, 2 बड़े चम्मच डाल दी। ये डाल के भी मिक्स कर लेते। क्रीम डाल के भी मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब क्या बचा है, अब जाएगा इसमें काजू और बादाम का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 15 काजू 15 बादाम को भिगा के रख दी हूँ। अब इसको क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। काजू बादाम तो ज़रूरी है क्योंकि ये एक मुगलाई डिश है। तो इसको भी पीस के मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को भी पीस के पेस्ट बना ली हूँ। ये भी चला जाएगा ग्रेवी में।
और ये डालने से ग्रेवी क्या है ना और ठीक हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। चलिए इसको भी डाल दिया, मिक्स कर लेते। मैं काजू और बादाम डाली हूँ, आप लोगों को और कुछ डालना है जैसा कि खसखस है और सूखा खोपरा है और फिर क्या बोलते हैं मगज वगैरह, वो भी डाल के आप पीस सकते हैं ग्रेवी बढ़ाने के लिए। मैं काजू और बादाम ही डाल रही हूँ, सॉरी। चलिए काजू बादाम डाल के भी मैंने मिक्स कर ली। अब क्या करेंगे, जिसमें काजू और बादाम पीसे हैं ना उसी में मैंने पानी डाल के ये पूरा मंगा ली हूँ, ये भी डाल देंगे हम। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैंने जबरिस्ता बना के रखे थे उसमें भी पानी डाली हूँ मिक्सी जार में, फिर पूरा मैंने आधा ग्लास पानी डाल दी हूँ। और इसी के साथ डालेंगे हम एक चम्मच कसूरी मेथी रोस्ट की हुई, मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी हमारी। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है दिखने में और खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। चलो ये सारे मसाले और क्रीम मलाई वगैरह सब मिक्स हो गया है। अब इसको हम रख देंगे ढक के एक 10 से 15 मिनट पकने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट में जो हमारा चिकन तो आधा पका हुआ था और आधा ग्रेवी के साथ पक जाएगा, ठीक है। अभी 10 से 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चलिए देखते हैं, लो फ्लेम पर ही पक रही थी माशाल्लाह, अच्छे से पक चुकी है और चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है। क्या करेंगे इस टाइम पे आके, अभी इसमें खुशबू के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर, इससे क्या खुशबू अच्छी आती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जायफल जावित्री डाल दी। इसी के साथ डालूँगी मैं 4 हरी मिर्च, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी की हमारी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। तो अब क्या करेंगे, इस टाइम पे आके हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी जो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरा धनिया, गैस का फ्लेम ऑफ करके हरे धनिया से कर देंगे गार्निश। तो ये लीजिए हमारी एक नंबर रेसिपी मुगलाई चिकन ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, कलर आया है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। जितना दिखने में अच्छा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो अभी चलिए इसे डिश आउट कर लेते। तो चलिए अभी हम हमारी मुगलाई ग्रेवी को डिश आउट कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए गल ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी मुगलाई चिकन ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी और कितनी डिलीशियस बनी है। जितनी दिखने में अच्छी है, खाने में भी उतनी टेस्टी है। और ये घर के कम मसालों में झटपट से बनके रेडी भी हो जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग मैंने कितना जल्दी आप लोगों को ये चिकन मुगलाई ग्रेवी बनाना बता दी। आप लोग भी अपने घर में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे आप लोग तंदूरी रोटी या बटर नान के साथ खाइए तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तभी मेरे शौहर को बुलाई हूँ खाना खाने के लिए, वो आएंगे फिर हम लोग तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जैसे कि मैं बोली थी, खाना बनने के बाद मेरे शौहर को बुलाऊंगी और साथ में वो तंदूरी रोटी लेकर आएंगे। तो ये देखो आ गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरे को फोन करके बोली क्या आपका आइटम बन गया है, चिकन मुगलाई ग्रेवी। बोली आते थे आप रोटी लेके आओ, ये तंदूरी रोटी मैं लेके आ गया हूँ। ये ग्रेवी के साथ तंदूरी रोटी या घर की रोटी या पराठा या बटर नान, बटर नान जो भी है बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आएगा ग्रेवी के साथ खाने में। इसके लिए रोटी बहुत जरूरी, बाद में दाल चावल भी खाओ साथ में और मजा आएगा, है ना। तो ले लीजिए, पलट निकालो, हाथ मुंह धो के आता फिर खाने बैठता हूँ। तो चलो बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। यहाँ पर सबके लिए ग्रेवी निकाल रही हूँ, चलो खाओ। तंदूरी रोटी है, ये आफरीन ने बनाई है सलाद, कांदे का नींबू और ये काकड़ी, ये थोड़ा सा ज़्यादा नींबू मार लेता हूँ मैं और मज़ा आएगा माशाल्लाह।
और थोड़ा चटपटा लगा। वैसे ही चटपटा ही है चिकन, अच्छा नींबू वगैरह लगा के। तंदूरी रोटी है, क्या बात है। ये देखिए ये लेता हूँ मैं, मुझे हरी मिर्ची डालती, मेरे को बहुत पसंद है हरी मिर्ची। ये ग्रेवी लेके थोड़ा देखो कैसा बना टेस्ट ग्रेवी का। बिस्मिल्लाह, एकदम बेहतरीन, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मतलब कितना भी खाएंगे दिल नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा, और खाओ ऐसा मन होगा। बहुत ही अच्छा बना है माशाल्लाह, आप तो याद से बनाए खाओ, बहुत मजा आ रहा है। चलो भूख बहुत लगी है, देखो चिकन भी बहुत अच्छा निकल गया माशाल्लाह, चिकन भी अच्छा सॉफ्ट, देखो बहुत मस्त निकला। माशाल्लाह मैंने खाना ना खा लिया, खाना खाने बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी बनाया थी आफरीन ने, जो आज जो रेसिपी थी बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाए, अपनी फैमिली को खिलाए, मेहमानों को खिलाए, जैसा मांगता सा बनाए खिलाओ। और याद रखना आप लोग हमारे वीडियो को आगे शेयर करो याद से, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारी रेसिपी से किसी और को फायदा होगी, जिसको बनाने नहीं आता वो भी बनाना सीख जाए, ताकि फिर उनको भी मतलब आगे चल के तकलीफ ना हो, है ना। याद से हमारी रेसिपी शेयर करो, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो याद से सब्सक्राइब करो। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। अब मैं जा रहा हूँ बूटी के ऊपर, मेरे को बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तब तक दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। हाँ चलो फिर आगे का क्या है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, अभी थोड़ा आराम करती हूँ, खाना खा ली, उसके बाद मिलती हूँ। हाँ बने रहिए, जाइएगा नहीं, रूटीन अपनी चालू है। ओके चलो बाय, अल्लाह। तो खाना खाने के बाद से कोई वीडियो नहीं शूट करी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं सोची थी थोड़ा आराम करूंगी, आप लोगों को भी बताई कि आराम करूंगी, तो आराम कहाँ से मिलता है। कपड़े धोने के थे, कपड़े धो दी, उसके बाद शायद समरीन का कपड़ा कटिंग करके रखी थी कितने दिनों से, तो वो सिलते बैठ गई। तो अभी टाइम हो गया, अजान हो गई असर की, तो मैं ली चलो उड़ जाओ, नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, और फिर समरीन ने चाय बना के दी तो वो चाय पी रही हूँ, और चाय पीने के साथ ही ये वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा रूटीन, और ख़ास करके हमारी रेसिपी मुगलाई चिकन ग्रेवी, आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अफरीन दस्तरखान। चलो अल्लाह हाफिज़।